हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज, योर इंग्लिश कोच. वेलकम टू लव इंग्लिश. और आज के लेसन में हम द रेबल पोम के समरी को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द पोम द रेबल डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ रेबल, अ पर्सन हु डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. द रेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन who would contradict others in order to be different. The rebel जो poem है उसमें character है rebel. अब rebel होता कौन है? rebel को हम हिंदी में बोलते हैं बागी या फिर विद्रोह करने वाला. ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्रोह करता है, दूसरों की बात नहीं मानता है, उसको हम rebel बोलते हैं. confirm का मतलब होता है बात नहीं मानना. तो जो रेबल है, जो भी सोसाइटी है, जो हमारे जो समाज है, उनके जो नियम है, नॉर्म्स का मतलब था नियम को नहीं मानता है. सो डेफिनेशन यहाँ पे हमारी दे रखी है, अ रेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन हु वुड कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स. यानी कि जो रेबल है, बागी है, वो जो बाकी जो लोग हैं उनके विपरीत जाता है, उनका विद्रोह करता है. वो जो भी बोलते हैं बाकी लोग उसको नहीं मानता है. क्यों नहीं मानता है वो? क्योंकि उसको अपने आप को डिफरेंट दिखाना है, अपने आप को अलग दिखाना है. द कैरेक्टर ऑफ द रेबल इन द पोम इज नॉट बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बट सीम्स टू बी अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ यंग एडोलेसेंट ट्राइंग टू बी डिफरेंट. और जो कैरेक्टर रेबल है इस पोम में, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, वो कोई किसी भी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक कैरेक्टर स्केच है. एक यंग एडोलेसेंट है, जिस तरह से आप हैं वो आपकी ही एज का है, और बस वो खुद को डिफरेंट अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है. ऑल द इंस्टेंसेस इन द पोम आर रेपिटेटिव अफर्मेशंस ऑफ दिस फैक्ट. और इस पोम में जितने भी इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स, उदाहरण दिए गए हैं, उसमें आप पाएंगे कि वो रेपिटेटिवली वो चीजें कर रहा है, जिससे कि वो रेबल की कैटेगरी में हमने उसको डाला है. इफ अ रेबल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर, he would let his hair grow long. अब जब भी जो rebel है वो एक लोगों के समूह को देखता है, वैसा समूह जिनकी छोटे बाल हैं, तो वो अपने बाल को बढ़ा लेता है. देखो यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करनी है कि वो लोगों की बात नहीं मान रहा है. तो जहां भी उसको ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे समूह लोगों के नजर आ रहे हैं जिनके छोटे बाल हैं, तो अपने बाल को बढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको अपने आप को डिफरेंट दिखाना है, अलग दिखाना है. On seeing others with long hair, the rebel would cut short his hair. और जब वो लंबे बालों वाले लोगों को देखता है, तो अपने बालों को छोटा कर लेता है. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would become absolutely mute. और जब भी क्लास में जब कोई लेसन चल रहा होता है, और उस समय जब सारे लोग बात कर रहे होते हैं, तो rebel absolutely mute. Mute का मतलब है चुप हो जाना, वो बिल्कुल चुप हो जाता है. On realizing that everybody is silent, the rebel would create a disturbance. और जब देखता है कि वो सभी लोग साइलेंट हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, शोरगुल क्रिएट करता है. सिमिलरली ऑन वेरियस सच इश्यूज, द रेबल वुड बी सीन कॉन्ट्रडिक्टिंग अदर्स एंड डूइंग थिंग्स दैट नो वन वुड बी डूइंग. और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज पे, वेरियस का मतलब बहुत सारे अलग अलग, इश्यूज का मतलब है मुद्दा, मसला, तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे भी वो ऐसी चीजें करता है और वो बाकी लोगों को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो बाकी जो लोग हैं उसकी बात को नहीं मानता है वो. He would refuse to wear the uniform when the others would be wearing it. और वो यूनिफॉर्म, जो स्कूल के जो हमारे कपड़े होते हैं, वो पहनने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है. और जबकि वो बाकी लोग पहनते हैं यूनिफॉर्म, बट वो नहीं पहनता है. Praise the dogs when in the company of cat lovers. प्रेज का ना तारीफ करना, तो वो डॉग्स की बहुत ज्यादा तारीफ करता है. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अब बहुत सारे लोग हैं जो कैट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके बीच में जाके वो डॉग्स की तारीफ करता है. तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हो, तो वो भी उल्टा काम कर रहा है यहाँ पे. अप्रिशिएट द सन ऑन रेनी डेज, जब बारिश हो रही होती है तो वो सूरज को अप्रिशिएट करता है, सूरज की प्रशंसा तारीफ करता है. एंड रेन्स ऑन द सनी डेज, और जब सूरज जब धूप निकली होती तब वो बारिश की तारीफ करता है. He would do just anything but not what others are doing. वो कुछ भी करेगा पर ये
रेबल वो सब चीज नहीं करेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। स्टैंजा वन, When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. Now, so we've got the four lines. So references, the above lines have been taken from the poem The Rebel by DJ N Wright. तो जो चार जो लाइन है ऊपर इसको लिखा गया है DJ N Wright ने और poem का नाम है The Rebel. Already हम इसको discuss कर चुके हैं. Context, in the given lines, the poet highlights the rebel's nature. पोएट हैं डीजे एंड राइट वो रेबल के नेचर को हाईलाइट कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन, व्हेन द रेबल एनकाउंटर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद शॉर्ट हेयर ही वुड अलाउ हिज हेयर टू ग्रो लॉन्ग बिकॉज इट ड्राइव्स प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन बाय गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन. तो जब भी रेबल को बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोगों के समूह मिलते हैं, छोटे बाल हैं जिन लोगों के, तो वो अपने बालों को लंबा करता है, बढ़ाता है, क्योंकि इससे उसको खुशी मिलती है. प्लेजर का मतलब खुशी, यहाँ पे ड्राइव्स का मतलब है मिलना, उसे खुशी मिलती है. एंड सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि. बाय गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वो काम करना जो बाकी लोगों के लिए, जो बाकी लोग बोल रहे हैं आपको पर आप वो काम नहीं कर रहे, यानी कि लोगों की बातों को ना मानने को बोलते हैं अगेंस्ट द ग्रेन. However, he is not constant and therefore, when he sees people growing their hair long, he would end up cutting it short. And this is not constant, वो बार बार नहीं कर रहा है वो. तो इसलिए जब भी वो देख रहा है कि लोगों को, लोग अपने बाल बढ़ा रहे हैं तो अपने बाल वो छोटे कर रहा है. और जबकि हमने स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि जब लोगों के जब छोटे बाल थे तो वो अपने बालों को बढ़ा रहा है. Stanza second. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब लेसन के दौरान जब सभी लोग जब बात कर रहे हैं तो रेबल एक भी वर्ड नहीं बोलता है, वो एक भी शब्द नहीं बोलता है. पर जब लेसन के दौरान जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता है तो रेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. Now again reference, the above lines have been taken from the poem The Rebel by D.J. N. Wright. So again, So, यहाँ पे हम ये रेफरेंस को हम रिपीट कर रहे हैं कि द रेबल पोम से लिया गया है और उसको डीजे एंड राइट ने लिखा है. कॉन्टेक्स्ट, इन द गिवन लाइंस द पोएट रीएम्फेसाइजेस द रेबेलियस नेचर ऑफ द रेबल एज हाउ ही रेबल्स अगेंस्ट अदर. अगेन इन चार लाइन में भी फिर से जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेबल है वो बाकी लोगों की बात कैसे नहीं मान रहा है. एक्सप्लेनेशन, सीइंग एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन द रेबल सडनली फाइंड्स हिज साइलेंस मोस्ट वैल्यूएबल. जब लेसन के दौरान वो ये देख रहा है, रेबल देख रहा है कि जब सारे लोग बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है वो, और उसको ये चीज़ बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है. हाउएवर बिकॉज ही इज अ रेबल ही कैन नॉट हेल्प बट क्रिएट डिस्टर्बेंसेज एंड मेक अ सीरीज ऑफ इंटरजेक्शंस व्हेन ही सीज दैट एवरीबडी एल्स हैज बिकम क्वाइट. क्योंकि वो एक रेबल है तो जब भी क्लास के दौरान जब सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो वो बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. अ सीरीज ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब अपने इमोशन, जैसे हम आह ऊ हाय हेलो वाओ ओ माय गॉड बोलते हैं तो इंटरजेक्शन का यूज कर रहा है और वहां पे वो बाकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है. द रेबल कॉन्स्टेंटली सीक्स अटेंशन बाय डूइंग दैट व्हाट अदर्स डोंट डू. तो यानी कि वो बाकी लोगों के भी जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहा है. और आकर्षित कैसे कर रहा है वो चीज करके कर रहा है जो बाकी लोग नहीं करते. स्टैंजा थ्री, व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली. तो बाकी लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रेबल बहुत ही अच्छे कपड़े पहन लेता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेता है. और जब बाकी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं तो द रेबल ड्रेसेस सोबरली, बहुत ही आम नॉर्मल कपड़े पहन लेता है. एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द रेबल ऑलवेज वॉन्ट्स टू शोकेस एंड एग्जिबिट हिमसेल्फ एज डिफरेंट. क्योंकि जो रेबल है वो हमेशा सबको ये शोकेस करना चाहता है कि वो उन सब से अलग है. ही वुड वेयर कलरफुल क्लोथ्स व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज ड्रेस्ड अप इन कॉमन यूनिफॉर्म. और वो कलरफुल क्लोथ पहनता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, जबकि बाकी लोग कॉमन यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक जैसी ड्रेस पहनते हैं.
However, the moment he sees others dressed up in different and colorful clothes, he would be unable to control his urge to wear the uniform. और जब वो बाकी लोग को देखता है कि वो कलरफुल ड्रेस सभी ने पहन रखी है तो वो यूनिफॉर्म पहनता है. स्टैंजा 4. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स. एक्सप्लेनेशन. व्हेन द रेबल फाइंड्स हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स ही बिगिंस टू प्रेफर द कैट्स. तो जब उसको रेबल को डॉग लवर्स मिलते हैं, वो लोग जिनको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो कैट्स की बातें करता है. ऑन द अदर हैंड ऑन बीइंग सराउंडेड बाय कैट लवर्स ही विल पुट इन अ फेवरेबल वर्ड्स फॉर डॉग्स. और जब वो कैट लवर्स के बीच में होता है तो डॉग्स के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है. हिज प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेस नेवर सीम टू मैच विद एनीवन एल्स इन द ग्रुप. तो जो रेबल है उसकी जो चॉइस होती है, जो प्रेफरेंस होती है कि उन किन चीजों को पसंद करेगा, वो समूह में जो ग्रुप में जो लोग हैं उनसे मैच बिल्कुल नहीं करता है. स्टैंजा 5. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. एक्सप्लेनेशन. इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर इट्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग द रेबल ऑन बोर्ड फॉर ही वुड अप्रिशिएट द सन while all others would be welcoming the rains and miss the rains while others would be enjoying the sun. अगर हम मौसम के बारे में भी बात करें तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा सेम चीज रेबल यहाँ पे कर रहा है. इट्स डिफिकल्ट यानी कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल है. क्या मुश्किल है कि जो रेबल है, रेबल की जो चॉइसेस हैं और उसकी चॉइसेस को लोगों से मिलाना भी मुश्किल काम है. So it's difficult to bring the rebel on board for he would appreciate the sun while all others would be welcoming the rains and. तो जब बारिश पड़ रही है, जब बाकी सब लोग बारिश को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो वो सूरज को अप्रिशिएट करेगा, सूरज के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा. और जब बाकी लोग जब सूरज को इंजॉय करेंगे, जब धूप खिली धूप को इंजॉय करेंगे, तो वो रेन को मिस करेगा. सो अगेन दिस इज उसकी एक और क्वालिटी है ये. Stanza 6. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Explanation. The rebels are people who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others. तो अभी हमने शुरुआत से लेकर अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि जो रेबल वो लोग होते हैं जो अकेले, अलोन का मतलब था अकेले, वो अकेले काम करना चाहते हैं, अकेले ही रास्तों पर चलना चाहते हैं. सो व्हेन अदर्स गो फॉर मीटिंग, और जब बाकी लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, दे स्टे एट होम, तो रेबल घर पे रहना पसंद करते हैं. एंड रीड अ बुक, और घर पे बैठ के बुक पढ़ना पसंद करते हैं. व्हेन द अदर्स स्टे एट होम, जब बाकी लोग घर पे होते हैं, दे गो टू द मीटिंग, और वो मीटिंग के लिए जाते हैं. स्टैंजा 7. व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू. एक्सप्लेनेशन. Saying yes when everybody says no and saying no when everybody says yes is another character trait of the rebel. तो जब बाकी सब लोग yes बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, तो rebel बोलता है नहीं. और rebel बोलता है नहीं जब सभी लोग बोलते हैं हाँ. तो ये भी एक rebel का एक character trait है, एक quality है, गुण है. Stanza 8. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It's very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. Explanation. It seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो rebel होना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, beneficial है, लाभकारी है, क्योंकि वो हमें बताते हैं, वो हमें train करते हैं कि लोगों में अंतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर हम सभी लोग एक जैसा सोचने लगेंगे और एक जैसा काम करेंगे तो बहुत ज्यादा जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी. तो रेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. हाउएवर, हालांकि, इट्स नॉट गुड टू बी अ रेबल बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. और यहाँ पे ये भी बात हम कर रहे हैं कि रेबल होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो रेबल काम कर रहा है वो हमारे समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम द रेबल. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन. See you in the next lesson, everyone.
Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.